जनपद बिजनौर में पुलिस और गो तस्करों के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई। गो तस्कर ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गो वध करने के औजार, तमंचा और बाइक बरामद की। पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां आज पुलिस और गो तस्करों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई, जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गो तस्कर गो वध करने के फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए चेकिंग शुरू की। इस दौरान सिकंदरपुर बस्सी में एक बाइक पर लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम नौशाद पुत्र कालू उर्फ कल्लू कुरैशी निवासी ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर बताया, जबकि उसका एक साथी राशिद पुत्र रशीद निवासी ग्राम अकबराबाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से गोवध करने के औजार, तमंचा और बाइक बरामद हुआ। एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि 4 से 5 दिन पहले सिकंदरपुर बस्सी के जंगल में गोकशी की घटना हुई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वही लोग फिर से गोकशी की वारदात को अंजाम देने आ रहे हैं। इस पर चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान गोकशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक गो तस्कर के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से तमंचा, गोकशी के औजार और बाइक बरामद की। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। दिनांक 23 अक्टूबर को थाना नजीबाबाद क्षेत्र के सिकंदरपुर बस्सी गांव में गोकशी की घटना हुई थी। इस संबंध में रात्रि में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि वही लोगों का जो गैंग है, उनमें से 2 व्यक्ति हैं, एक बाइक पर आ रहे हैं। इस द्वारा पुलिस पर द्वारा चेकिंग लगाई गई। रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने के लिए से फायर किया। पुलिस ने उनको सरेंडर के लिए कहा और पुनः उनके द्वारा फायर किए गए। पुलिस द्वारा आत्मसात फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के गोली लगी। उसको उपचारित अस्पताल लाया गया है। इसका एक अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहा है। अभी उसके पास से भारी मात्रा में गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। एक तमंचा बरामद हुई, मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पूछताछ पर इसने बताया कि 4 अभियुक्तों का गैंग है, जिसमें एक नौशाद है जो उपचाराधीन है, एक राशिद जो मौके से भाग गया, 2 अन्य अभियुक्त हैं, इनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्त नौशाद के विरुद्ध 8 अभियुक्त पंजीकृत हैं और इसने पूछताछ पर बताया कि जो सिकंदरपुर बस्सी में गांव में जो घटना हुई थी, उनके द्वारा ही कारित की गई थी। जो भागे हुए इसके गैंग के सदस्य, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जनपद बिजनौर में भी अब आप ले सकते हैं सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सबसे सस्ती स्कूटी, वो भी नजीबाबाद में। दीपावली के शुभ अवसर पर राज ऑटोमोबाइल्स नजीबाबाद आपके लिए एक बार फिर एकदम धमाकेदार ऑफर लाए हैं, जिसमें आप मात्र 34,500 रुपए में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हैं। राज ऑटोमोबाइल्स के मालिक मोहसिन अहमद ने बताया कि ये खास दीपावली ऑफर है, जो कि सिर्फ दीपावली तक ही रहेगा। अगर आपको भी इस ऑफर का लाभ उठाना है तो पहले आएं और पहले पाएं। मात्र 34,500 में इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जाएं। खास दीपावली पर 39,500 का स्कूटर आपको 34,500 में दिया जा रहा है। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।